में मतदान केंद्र को लेकर विवाद फिर गया है। प्रशासन ने यहां पंचायत भवन को मतदान केंद्र बनाया है और ग्रामीणों ने प्राथमिक स्कूल को मतदान केंद्र बनाने की मांग की। ग्रामीणों का तर्क है कि हर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्कूल भवन को ही मतदान केंद्र बनाया गया है, मगर इस बार ग्रामीणों से बगैर सहमति और सूचना दिए ही पंचायत भवन को मतदान केंद्र बना दिया गया। ग्रामीणों और कुछ प्रत्याशियों ने मौजूदा सरपंच और प्रत्याशी पर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा सरपंच का घर पंचायत भवन के 100 मीटर के दायरे में है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव पर भी सवाल उठाया जा रहा है। शिकायत किए एक सप्ताह बीतने पर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का मूड बना लिया है। मैंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया है, जिसमें विधिवत निर्णय ले और वो प्राथमिक शाला में जो सुविधापूर्ण केंद्र है, पुराना मतदान केंद्र है, तो वहीं के निर्वाचन वहीं के लिए मतदान केंद्र सुनिश्चित किया जाए। इसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रतिवेदन भेजा जाएगा। मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत गुठेली में मतदान केंद्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। ये विवाद अब गांव तक सीमित न रहकर अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंच चुका है। इसके बाद भी आज तक इस मामले में प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये पंचायत भवन में ले गए हैं, 20 साल से यहाँ स्कूल में प्राथमिक शाला में मतदान हुआ करता था, अब वहाँ पंचायत भवन में ले गए हैं सरपंच सचिव के द्वारा। और गांव में कोई भी अधिकारी या कोई भी गांव के प्रत्याशी या गांव के गांव नागरिक गणला कोई जानकारी नहीं दिए गए हैं। शिकायत के बाद भी क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? क्या बात, कलेक्टर साहब है के रहे ना, तो वो बोली से के हो जाए जहाँ रही वही हो है, लेकिन मैडम जो है अनुराधा वही है, हो जाए बोल के ना घुमाते। ये बताइए, जैसे अगर आप लोग की शिकायतों का निराकरण नहीं होता तब फिर आप लोग क्या करेंगे गांव? हम लोग मतलब चुनाव को रद्द किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि गांव वाले लोग मतदान केंद्र की मांग कर रहे हैं स्कूल में चुनाव संपन्न होकर के, क्योंकि आज तक जब भी पंचायत का चुनाव हुआ है तब स्कूल में ही चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन इस बार पंचायत भवन में चुनाव होने जा रहा है। चूंकि पंचायत भवन से 100 मीटर के दायरे पर एक प्रत्याशी के घर है, जिसके चलते गांव वालों को यह आशंका है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होगा। यही वजह है कि ग्रामीणों ने शिकायत भी प्रशासन के पास की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अमल या शिकायत पर कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली।